वैसे आरोप प्रत्यारोप का खेल राहुल गांधी की पेशी पर भी हुआ। मानहानि के गुनहगार ठहराए जा चुके राहुल जब लीगल रेमेडी के लिए सूरत पहुंचे तो उनके साथ कांग्रेस के दिग्गजों का दस्ता भी पहुंच गया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन और कोर्ट पर प्रेशर डालने का हथकंडा बताया तो कांग्रेस ने भी बीजेपी को नसीहत दे दी। मित्र काल, सूरमा, विघ्न, कांटे, सत्य, अस्त्र, आसरा, धीरज। राहुल गांधी सूरत की अदालत से बेल लेकर क्या निकले? हिंदी के विश्वकोश से राजनीति के शब्दकोश में समाये सारे शब्द एक एक कर बाहर आने लगे। किसने क्या कहा ये सब बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि संसद से आउट राहुल जब राहत की उम्मीद देकर दिल्ली से सूरत पहुंचे तब क्या हुआ। मोदी सरनेम की मानहानि करके फंसे राहुल गांधी को सूरत के सेशंस कोर्ट ने फौरी राहत दे दी। अदालती फरमान के मुताबिक सजा पर स्टे को लेकर सुनवाई अब 13 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने 15,000 के मुचलके पर राहुल को जमानत भी दे दी। मामला चलने तक राहुल गांधी की जमानत बरकरार रहेगी। 3 मई को लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुनवाई होगी। कोर्ट ने हमारी सुनवाई से एप्लीकेशन, जो बेल एप्लीकेशन है वो मंजूर की है। 15,000 के उनके बेल मंजूर किए हैं और जो सेंटेंसिंग है उसको स्टे किया है। उनकी जो कन्विक्शन की जो एप्लीकेशन है स्टे के लिए उसको 13th डेट को पोस्ट किया है और 13th को उसकी सुनवाई होगी। जैसे ही अदालत ने मुकदमे की लाइन लेंथ तय की राहुल ने ट्वीट दाग दिया, ये मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा। डिस्क्वालिफाइड एमपी के टैग वाले ट्विटर हैंडल से राहुल का ट्वीट आया ही था कि प्रियंका ने भी तुरंत वीर रस में भीगी लाइनें ठोक दी। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने कानून की लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई बनाने की दिशा में एक कदम और बढ़ा दिया। वैसे राहुल जिस अंदाज में दिल्ली से सूरत के लिए निकले थे उसी से साफ हो चुका था कि वो उसकी तैयारी करके निकले हैं। दिल्ली से सूरत की यात्रा में राहुल के साथ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू भी थे जो लगातार उनके साथ बने रहे और अलग अलग जगह से अलग अलग मुद्राओं में राहुल गांधी के वीडियो भी लगातार रिलीज होते रहे। मसलन हवाई जहाज में प्रियंका के साथ राहुल गांधी, प्लेन से उतरने के बाद लाव लश्कर के साथ बस में सफर करते राहुल गांधी जो रास्ते में खड़े तमाम लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते रहे और फिर कोर्टरूम के बाहर समर्थकों और तमाशबीनों की भीड़ से गुजरते राहुल गांधी। कुल मिलाकर राहुल ने अदालत में अपनी पेशी को सियासत का शक्ति प्रदर्शन बना दिया। अब बीजेपी पूछ रही है कि इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी, माफी मांगते और मामला खत्म कर लेते। आज छोटे सरकार अपने तमाम झंडा बरदारों के साथ इतना बड़ा लश्करे जर्रार लेकर क्या करने गए थे? आप अपने अहंकार का प्रदर्शन करने गए थे कि जो पिछड़े वर्ग के अपमान के बाद भी आप दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर इतनी ठसक है, या आप न्यायालय को दबाव में लेने गए थे? सूरत की अदालत से सजा मिलने के बाद से तेवर दिखा रहे राहुल कोर्ट से संसद तक मॉरल हाई ग्राउंड लेना चाहते हैं और कांग्रेस भी इस मुकदमे को मौके की तरह इनकैश करने की फिराक में है। लेकिन पार्टी चुनाव लड़ने पर रोक से राहुल को बचाने के तरीके भी खोज रही है। कांग्रेस को पता है कि अगर राहुल गांधी 8 साल तक संसद से बाहर रहे तो फिर पब्लिक की मेमोरी से भी आउट हो सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।